शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। तो क्या ये आपका न्याय है? क्या इसीलिए आप मुझे मोरपंख हो जाने के लिए कह रहे थे? उत्तर दीजिए माधव। उत्तर बहुत लंबा है कर्ण और समय बहुत कम। परंतु अपने मित्र के प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र, जिनके उत्तर सबके सामने नहीं दिए जाते, जो केवल आत्मा से आत्मा को मिलते हैं। अब समय थम गया है, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में।
आप तो सारथी हैं ना, अपने रथी का मन पढ़ लेते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं मित्र, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है, तो सुनिए। बताइए माता, वैसा क्यों होता है कि जो परिवर्तन की चाह रखता है उसे समाज का क्रोध क्यों सहना पड़ता है? समय तो स्वयं बदलता है ना, तो वो परिवर्तन का विरोध क्यों करता है? परिवर्तित होना समय की प्रकृति है मित्र, और परिवर्तन का विरोध करना अधिकतर लोगों की प्रकृति। परिवर्तन के कारण मनुष्य को अस्थिर होना पड़ता है, और यही अस्थिरता मनुष्य को पीड़ा देती है मित्र। इसी कारण समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है, परिवर्तन करने वालों को पीड़ा देता है ताकि वो परिवर्तन के मार्ग से हट जाए। तो क्या इस विरोध के फलस्वरूप समाज को अधिकार है कि वो एक अबोध की हत्या करे? क्या दोष था मेरे भाई शोन का? यही कि उसने वेद पाठ किया, उसके लिए उसके मुख में पिघला स्वर्ण भर दिया गया। क्या कोई विद्या सीखना दोष है माधव? आप ही कहते हैं ना कि सबकी आत्मा एक है। यदि ऐसा है माधव, तो शरीर को जाति के बंदरों में क्यों बांधा जाता है? क्यों गुरु द्रोण ने मुझे जाति के नाम पर शिक्षा नहीं दी? मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। विश्व के इतने घातक अस्त्र होने के पश्चात भी रंगभूमि में क्यों मुझे प्रदर्शन करने से रोका गया? तुम्हें द्वंद की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र क्यों हर बार मेरे कौशल को सूत पुत्र कहकर दबा दिया जाता है? ठहरो, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बताइए माधव, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? चूंकि तुम विशेष थे कर्ण, क्योंकि भाग्य ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का योद्धा चुना, और जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। जो अग्नि बुझाने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं मित्र। तपाया स्वर्ण को जाता है ताकि वो कुंदन बन सके, ना कि ताम्र या लौह को। मेरी दृष्टि से देखो मित्र, आज तुमसे बड़ा पराक्रमी, तुमसे बड़ा शूरवीर और कोई नहीं मेरी दृष्टि में। अर्जुन भी नहीं मित्र। परिवर्तन की चिंगारी जो तुमने संसार में लगाई है मित्र, वो एक दिन सूर्य बनकर समस्त संसार को अलोकित करेगी, संसार को आशा देगी। परंतु मेरे जीवन में आशा की किरण आप थे माधव, आप मेरी प्रेरणा थे। फिर क्यों अन्याय किया आपने मेरे साथ? आप तो जानते थे ना कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। फिर क्यों सदा मेरे और अर्जुन के द्वंद को रोका आपने? राज भी युद्ध भूमि से दूर मुझे आप यहां ले आए।
क्यों धर्म के रथ पर बैठकर आपने अधर्म का बाण चलाया? क्यों माधव? यदि आपको मेरे प्राण चाहिए थे तो सीधे कह देते माधव, मैं प्रसन्नता से अपना शीश काटकर थाली में आपको भेंट कर देता। क्यों ये छल किया आपने जब मैं रथ विहीन था? तो क्यों मुझ पर प्रहार करवाया? क्या ये धर्म स्थापना है? क्या ये आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव। आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? अर्जुन से पूर्व मैं आपका रथी था, आप मेरे सारथी थे, और आप ही कहते हैं ना कि सारथी रथी का मन पढ़ लेता है। तो आज क्या हुआ? आपको मेरे प्रश्न पता है, फिर उसके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बोलिए। सारथी और रथी भिन्न कहां होते हैं राधे? वो दोनों तो एक अंग होते हैं। जब एक सारथी अपने रथी के मन में उठने वाले प्रश्नों को समझ जाता है, तो क्या रथी को अपने प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला? मैं परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं, जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। ब्रह्मास्त्र का आवाहन भूलने पर भी तुम्हें भान नहीं हुआ मित्र कि ये सब क्या है और क्यों हुआ? तुम्हें यहाँ खींच कर लाना मेरी विवशता थी मित्र। कर्म फल है तुर्भु, ताकि परिवर्तन के इस शरीर पर श्रापों और पापों का बोझ उतारा जा सके। तुम्हारे रथ का चक्का पहली बार नहीं फंसा है कर्ण, स्मरण है? पहली बार तुम्हारे रथ का चक्का कहां फंसा था? ये स्थान स्मरण है मित्र, स्मरण है कि हम किन परिस्थितियों में पहली बार मिले थे? वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। कर्म मनुष्य के मार्ग चुनने से निश्चित होता है अंगराज। प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए, क्योंकि लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। स्मरण है मुझे, मैं प्रारब्ध बदलना चाहता था मित्र, किंतु दुर्भाग्य समय प्रबल है। तुम्हारे वचनों के कारण, श्रापों के कारण और पापों के कारण इस वर्तमान स्थिति में आना ही पड़ा कर्ण। वचन और श्राप, इन दोनों का बोझ मैं समझता हूं, परंतु पाप,
कौन सा पाप किया माधव? परिवर्तन की चाह रखना, क्या ये पाप है? अपने गुरु के विश्राम को भंग ना करना, क्या ये पाप है? अपने मित्र की सहायता करना, जिसने सदैव मुझे सहारा दिया, क्या ये पाप है? मौन क्यों है आप, बताइए। मौन, यही मौन तुम्हारा पाप था मित्र, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा अपराध था। पांचाली के वस्त्र हरण पर तुम्हारे शस्त्रों का मौन रहना अपराध था मित्र। होश में आओ दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मत करो ये अनर्थ। प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। मनुष्यों से भूल होती है, स्वाभाविक है, पांडवों से भी हुई, किंतु वो मौन नहीं रहे। पांडुपुत्र भीम, यह प्रतिज्ञा लेता हूं, पर यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। क्या दीजिए प्रादर्शी, हम इनका सर्वनाश कर देंगे। हाँ जयेश, या तो हमारे प्राण ले लीजिए, जब हमें इनके प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। अधर्म के विरुद्ध उन्होंने स्वर उठाया, और इसी कारण मुझे उनके पक्ष में जाना पड़ा मित्र, और तुम मौन रहे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका मित्र। संसार को दुष्ट आत्माओं के उपद्रव ने जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उससे कहीं अधिक हानि महात्माओं के मौन ने पहुंचाई है मित्र। अभिमन्यु के वध पर तुम्हारा मौन पाप था मित्र। दुर्योधन के हर उठते स्वर पर तुम्हारा दबता स्वर अन्याय था। स्वप्न केवल ऊंचा और शुभ होना महत्वपूर्ण नहीं होता मित्र, उस स्वप्न को पूर्ण करने का मार्ग भी शुभ होना चाहिए। परिवर्तन की चाह में तुम अधर्म का हाथ थाम बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुम दुर्योधन को मित्रता का वचन दे बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अमृत पाने की यात्रा तुमने विषधर के कंधों पर बैठकर की मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। समय बहुत कम मनुष्यों को संकेत देता है कि उनका चुना गया मार्ग अनुचित है। मैंने भी तुम्हें कई बार संकेत देने का प्रयास किया मित्र, अवसर तुम्हें मिला था मित्र, कई बार मिला था, किंतु अपने वचन के कारण तुम सत्य के मार्ग पर ना आ सके मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अवश्य तुम थाली में सजाकर मुझे अपना सर दे देते, किंतु उनसे उन पापों का, उन श्रापों का भार कम नहीं होता मित्र, जिनको तुमने अपने कंधों पर लादा हुआ है। हम सब अपने चयनों का उत्पाद होते हैं मित्र,
हमारे चयन ही हमारा प्रारब्ध निश्चित करते हैं, और आज इस पल का निश्चय तुम्हारे चयन ने किया है। और मुझे देखो मित्र, मित्र के रूप में मैंने तुम्हारा चयन किया। इस कारण इस पीड़ा का भागीदार मैं भी बन रहा हूं। मैं तुम्हें सदा शांति देना चाहता था मित्र, तुम्हें इस जन्म में हर पाप से मुक्त कर देना चाहता था मित्र, इसलिए मैं तुम्हें यहां खींच कर लाया। मुक्त हो जाओ मित्र, मुक्त हो जाओ कर्ण। आपने उचित कहा है कि हम सब अपने चयन का उत्पाद हैं। मेरा ये घाव भी मेरे चयन का परिणाम था, उसे आपने ले लिया माता, परंतु ये अवश्य किसी और के हिस्से में पीड़ा गई होगी। ये पीड़ा किसके हिस्से में गई होगी माता? उसे जो नहीं चाहता कि किसी और को पीड़ा सहनी पड़े। पीड़ा को टाला नहीं जा सकता मित्र, किंतु बांटा अवश्य जा सकता है। एक मित्र ही मित्र की पीड़ा बांटता है। ये क्या किया माता, ये क्यों किया आपने? तुम उस राज सभा को भूल गए मित्र, भूल गए कि ये युद्ध मैं ही हूं, और इस युद्ध में चलने वाला अस्त्र और शस्त्र भी मैं ही हूं मित्र, उन शस्त्रों से लगने वाला घाव भी मैं हूं, और उन घाव का उपचार भी मैं हूं, इस युद्ध में विजयी होने वाला मैं हूं, और मृत्यु का आलिंगन करने वाला भी मैं ही हूं मित्र। दोनों मित्र हैं, इस लोक को छोड़ने से पूर्व
मैं अपनी पीड़ा अपने मित्र को नहीं दे सकता। माता, मेरे जीवन रथ को अंतिम लक्ष्य पर ले चलिए, ले चलिए माता। मैं प्रसन्न हुआ मित्र। एक समय था कि मैंने तुम्हें अपना रथी चुना था और मैं सदा चाहता था कि तुम मुझे अपना सारथी चुनो। अंतिम क्षणों में ही सही, किंतु आज तुमने मुझे अपना सारथी चुना मित्र। आओ मित्र, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर ले चलता हूं। सूर्यास्त होने से पूर्व तुम्हें वहां पहुंचना है और विश्राम करना है मित्र। अपने चयन की नियति स्वीकार करने को सज्ज हो जाओ मित्र। करो अंगराज को पार्थ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग कर। बाण संधान करो पार्थ। माधव, मेरे हाथ।
कांप रहे हैं। नहीं पार्थ, तुम पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो। तुम्हें एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुख, द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुख। तैयार यदि तुम आने को प्रसन्न मुख, द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत।